मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। आज की तारीख है 7 मई और आज है ट्यूसडे। तो ट्यूसडे को हमने फिर दोबारा काला पहन लिया है, पहले शनिवार को पहन लिए थे, आज पहन लिए ट्यूसडे को। भगवान करे हमको नजर न लगे। चलो तो ये है आज का अपडेट। टाइम हो रहा है 10 बज रहे हैं और अभी हम निकल रहे हैं अपने काम के लिए। पहले गाड़ी की चालू करते हैं और थोड़ा सा एसी ऑन करते हैं, अंदर की गैस निकलवाते हैं। धूप में खड़े रहने की वजह से गैस हो जाती है, वो निकालना ज़रूरी होती है। थोड़ा रुक जाओ, उनको बात कर लेने दो। आज का दिन हम स्टार्ट करते हैं, अभी निकलते हैं अपने काम के लिए। जो जो काम है वो सारे कर लेते हैं और फिर आपको बाद में व्लॉग में अपडेट करते हैं, ठीक है? टिल देन कंटिन्यू। सही भी बने, कहीं पर मोर चिल्ला रहे, ऐसी जगह बड़ी अच्छी लगती है मेरे को, शांत, नेचर ही नेचर। ठीक है, काम पे हैं, बाद में बात। हाँ जी, तो अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से, यहाँ पर काम वगैरह बता दिया है यूनिट में। अब आगे चल के जहाँ पर काम है दूसरे यूनिट में, वहाँ पर जा रहे हैं, देखते हैं क्या अपडेट है वहाँ का। वहाँ पर भी सैंपल वगैरह आने हैं, तो जो भी होगा फिर बाद में अपडेट करता हूँ। अभी निकलता हूँ क्योंकि 12 बज गए यहीं पर, ऐसे ना कर कर आके मेरा टाइम बीत ही जाता है। चलो थोड़ी देर बाद कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक। अभी हम जा रहे हैं किसी और काम से कहीं और तो दोपहर की धूप बड़ी जोर से हो रखी है अभी, तो जैसे तैसे अभी एसी ने 20 टेम्परेचर पे थोड़ा ठंडा कर रखा है, पर भाई जो चिपचिप होती है ना भाई धूप में घूमने के बाद, जब तक गाड़ी में एसी अच्छे से ठंडा ना करे ऐसा लगता हम झन्नुम में। क्या बताऊँ मैं आपको, इतनी गर्मी है। अभी बाहर 42 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है। अरे ये क्या चला रहा है भाई, ट्रक वाला कहीं पर से भी मोड़ दे रहा है, कहीं पर भी रोक दे रहा है, कुछ भी करा देंगे क्या? अरे 42 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है ना, ऐसा चल रहा है अभी टेम्परेचर। और इस टेम्परेचर का फिलहाल कोई तोड़ नहीं है, जो भी तोड़ है वो हमको ही निकालना पड़ता है ठंडा पानी पीने के बाद या छाछ पीने के बाद। अदरवाइज पानी भी गाड़ी में, तो पानी का बॉटल भी ख़त्म हो गया, पानी की बॉटल भी लेनी है मेरे को। एक केस ले लेता हूँ छोटा वाला और फिर उसके बाद पूर्ति करता हूँ। चलो यहाँ से हमारा टर्न है, करता हूँ थोड़ी देर में अपडेट आपको, है ना? सामने आई तो कितनी जोर से आई, आप रे घड़ी के डायल से पता चल रहा होगा कितनी चमक रही है। हाँ जी आ गए बताने के लिए, पर सैंपल अभी तक रेडी नहीं हुआ है, वापस जा रहे हैं, देखते हैं। अब 6:30 बजे तक बोला है, 6:30 बजे तक रेडी हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। 6:30 बजे के बाद लेट होगा तो फिर हमारा कल के लिए काम कीजिएगा, और कल मेरे को चेन्नई जाना है। वैसे मेरे को आज टिकट बुक करनी थी और इन सब कामों में मैं इतना उलझा रह गया कि मैं टिकट बुक करना भूल गया। अभी मेरे को याद आ रहा है कि मेरे को चेन्नई भी जाना है। सो अब तो टाइम गुजर गया, बस ही आखिरी सहारा है। बस का अपन ऐसा कर सकते हैं, बस का तो हम बुक कर सकते हैं कभी भी, बट ये है ना कि बस में फेयर बहुत ज़्यादा लग जा रहा है आजकल। मतलब पता नहीं क्या सोच के वो लोग 2-3 हज़ार रुपये की टिकट बुक कर रहे हैं, आई डोंट नो। ऐसे दिन में कम 6-7 चक्कर लगते हैं मेरे, पर एक दिन का 100 किलोमीटर या फिर मिनिमम 60 किलोमीटर हो जाता है। ये देखो हमारा भूतिया पेड़ कैसे लटक गया है, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया ये ना। अच्छा है, बहुतों को छांव मिलती है। इस बार पता नहीं क्यों पेट्रोल बहुत जल्दी ख़त्म हो रहा है,
पता नहीं, या तो उनके पेट्रोल में मिलावट है ये क्या है पता नहीं। ऐसे यूजुअली जैसे ये 128 किलोमीटर दिख रहा है ना, ये 200 के बाद जब जाता है या 150 के बाद जब जाता है तब ये ऊपर से नीचे आती है, बट अभी इस बार बहुत जल्दी नीचे आ गई। पता नहीं क्या सिस्टम है, मेरे को लगता है पक्का वो इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप का ना तेल अच्छा नहीं है। जब ये बोलते हैं ना तेल अच्छा नहीं है, ये इम्प्योरिटीज हैं या घपला होता है, तो इसी सब वजह से होता है समझे। ये ठीक है, देखते हैं कितने दिन चलता है। पहला वाला 500 चला था, ये कितने दिन चलता है दिख जाएगा, अभी पता चल जाएगा कुछ ही दिनों में, है ना। चलो और वैसे घर पहुंच गए, अब उतरते हैं और बाद में कंटिन्यू करते हैं। ओके चलो, बुरा इसको भी लगी रहती है। देखो दूर चलो, तो अभी हम निकल रहे हैं दोबारा काम के लिए। शाम के बज रहे हैं 6 और आज की तारीख है 7 शाम हो गई, देख ही रहे हो आप, इवनिंग हो गई इवनिंग, और हम चलते हैं काम पे। थोड़ी देर में मिलते हैं आपको, फिर उसके बाद आगे आपको बताएंगे क्या हुआ कैसे हुआ और हम कितने बजे घर आए। तो थोड़ी देर में हम आपको मिलते हैं दोबारा। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड एंजॉय माई वीडियोस। दो है, दो कितना अच्छा व्यू है। तो अभी हम सैंपल वगैरह देख के निकले, अभी अपडेट रहेगा वो सारा करने के बाद फिर कहीं जाएंगे। अभी बज रहे हैं 7:30 मतलब 7:45 हो गए, और वगैरह छोटे छोटे कामों में ना ज्यादा टाइम लग जाता है, जितना बड़े कामों में नहीं लगता। हाँ जी, तो फाइनली वी आर गोइंग होम। रात के बज रहे हैं 10 और हम चल रहे हैं रास्ते पे, और कहाँ चलते हैं तो जा रहे हैं अभी हम घर। काम वगैरह कल के लिए शेड्यूल हुआ है, भगवान करे कि कल का काम पूरा हो जाए और फिर चीज़ें और आगे बढ़ती रहें। वैसे मेरा मेरे 2 महीने इसी चीज़ के पीछे ख़राब हो गए, क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। यू हैव टू वेट, पेशेंस लर्न पेशेंस। तो वही चीज़ करते हुए अभी हम कर रहे हैं, अब खाना वगैरह खा लिया हमने, जा रहे हैं घर की तरफ। तो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो जो भी देख रहा है सबको थैंक यू। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड खुश रहें, आसपास सबको खुश रखें।